हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में आप सीखोगे कंपैरिजन ऑफ नंबर। दो नंबर के बीच में आपको कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो मैं आपको ये पहले भी बताई हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ, और ये आप थोड़ा सा नया सीखोगे, इक्वल टू। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो पिक्चर्स है, और यहाँ तो दीज आर फाइव टर्टल्स, यहाँ फाइव टर्टल्स हैं, और यहाँ दीज आर थ्री टर्टल्स, यहाँ थ्री है, तो दोनों में हमें कंपेयर करना है। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ टू टर्टल्स इज लेफ्ट, तो दो टर्टल यहाँ और होना चाहिए था। ठीक है, और फाइव टर्टल्स आर मोर देन थ्री टर्टल्स, फाइव टर्टल्स जो है थ्री टर्टल से क्या है, ज्यादा है, मोर देन। ठीक है, या फिर ये भी लिखेंगे कि फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, जो फाइव है थ्री से ज्यादा है, तो आप लिख सकते हैं वी राइट इट एज फाइव ग्रेटर देन थ्री। ग्रेटर देन का जो साइन होता है वो ये होता है। ठीक है, द साइन ये है, देखो आपका ग्रेटर देन मीन्स इज ग्रेटर देन साइन। ये कंपेयर एंड राइट द नंबर्स इन द बॉक्स। ठीक है, दो नंबर के बीच आपको कंपेयर करना है, इसमें नंबर्स लिखोगे आप और उसके बाद कंपेयर करोगे। तो जैसे आप पेन देख रहे हो, यह वन टू थ्री फोर फाइव, तो आप यहाँ लिखोगे फाइव पेन। ठीक है, और यहाँ वन टू थ्री फोर, फोर पेन, तो फाइव और फोर, तो ज्यादा कौन सा हुआ, फाइव। तो मैं ये आप लोगों को बताई हूँ कि एलिगेटर अपना मुंह उस तरफ खोलेगा जिधर ज्यादा मछलियां होती हैं। ठीक है, तो मान लो ये मगरमच्छ है, और मगरमच्छ अपना मुंह उसी तरफ खोलता है जिधर ज्यादा होता है, तो ज्यादा आपका ये रहा, और इसका जो ये साइड हुआ वो कम, लेस देन हुआ। ठीक है, तो ये है, ये आप खुद से करोगे और